हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं रीजनिंग का आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, डाइस। डाइस को हिंदी में बोला जाता है पासा, डाइस एंड पासा, ठीक है, डाइस। तो ये टॉपिक आपकी जो भी एग्ज़ाम है आपकी, चाहे राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी की एग्ज़ाम हो, या SSC की एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक या दो क्वेश्चन हमेशा आता है इससे। बहुत ईजी टॉपिक है, इसको आप मेरा अच्छे से आप समझ लोगे तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बहुत इजी टॉपिक है ये। तो हम आपको पता है राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम आने ही वाली है, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है डाइस, ठीक है। तो इसको मैं बहुत इजी कंसेप्ट से आपको बताने वाली हूँ, हर एक मतलब जो छोटा से छोटा बच्चा भी इसको अच्छे से समझ सकता है, इतने इजी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका डाइस है, तो डाइस हमेशा एक क्यूब की तरह होता है, आपने देखा होगा क्यूब किस तरह का होता है, तो डाइस भी उसी की तरह बना हुआ होता है, उसकी इस टाइप से संरचना होती है, तो ये क्यूबॉइड की तरह होता है, ठीक है। तो क्यूब का काम करता है ये। तो डाइस की आपको पता है 6 सतह होती है, कितनी सतह होती है टोटल, 6 सतह होती है, ठीक है। तो डाइस की कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है, सतह को इंग्लिश में सरफेस बोला जाता है। दूसरा, इसको किसी भी कोने से देखे जाने पर इसकी 3 सतहें दिखती है, किसी भी कोने से इसको देखेंगे तो इसकी कितनी सतह दिखती है, इसकी 3 सतहें दिखती है। तो ये भी आपका एक लाइन है, याद रखना इसको, कि किसी भी कोने से देखे जाने पर इसकी 3 सतहें दिखती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी 6 सतह होती है सबसे पहले, दूसरा है कि किसी भी कोने से अगर इसको हम देखेंगे तो इसकी 3 सतह हमें दिखाई देती है। और आपको पता है डाइस 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के डाइस होते हैं अपने, दो टाइप्स के, ठीक है। आपको पता है 2 टाइप्स के पासे होते हैं, एक तो क्लोज डाइस और एक ओपन डाइस, ठीक है। क्लोज डाइस क्या होता है, ये जो ये एक सतह मतलब एक सतह से देखने पर 3 सतह ही दिखाई देती है, वो क्लोज डाइस होता है। इसको क्लोज डाइस को क्या कहा जाता है, बंद पासा, क्या कहा जाता है, बंद पासा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक तो होता है हमारा क्लोज डाइस, जो मैंने बताया था बंद पासा, वो इस तरह का दिखाई देता है जिसकी 6 सतह होती है और एक बिंदु से देखने पर 3 सतह दिखाई देती है। नेक्स्ट होता है हमारा खुला पासा, खुला पासा को क्या कहा जाता है, ओपन डाइस, क्या कहा जाता है, ओपन डाइस, जो इस तरह से बना होता है, उसकी संरचना इस टाइप की होती है, जो इस तरह से बना हुआ होता है, जिसकी सारी सतह क्या होती है, खुली हुई होती है, सारी सतह क्या होती है, खुली हुई होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 प्रकार के डाइस होते हैं, एक तो बंद पासा मतलब क्लोज डाइस, और एक हो गया खुला पासा मतलब ओपन डाइस। और दोनों टाइप में से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, मोस्टली दोनों में से ही आते हैं आपके, और दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बंद पासा मतलब क्लोज डाइस की बात करते हैं सबसे पहले, कि इससे किससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से टाइप के आएंगे, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं क्लोज डाइस की, मतलब बंद पासा की है उसकी बारे में बात करते हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लोज डाइस मतलब बंद पासा, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक तो मानक पासा, दूसरा होता है अमानक पासा, ठीक है, मानक पासा और अमानक पासा। मानक पासा को इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस भी कहा जाता है, और इसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मानक पासा की। तो मानक पासा से किस टाइप से मतलब ये क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो मानक पासा मतलब स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जिसको सब लोग जानते हैं, साधारण मतलब साधारण बात करते हैं, जिसको सब जानते हैं नॉर्मली, वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मानक पासा होता है, ये जो डाइस होती है, ये वही डाइस है जिसको अपन खेलते हैं, जैसे सांप सीढ़ी लूडो वगैरह खेलते हैं, जिसमें जो डाइस यूज की जाती है ये वही डाइस है। आपको पता है हम 6 लाने के लिए कई बार चीटिंग करते थे, उसको वैसे के वैसे डाल देते थे, पर अपन को ये नहीं पता होता था कि इसके अपोजिट में क्या है। तो ये वही डाइस है जो अपन खेलने में यूज लेते हैं, उसको मानक पासा ही कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मानक पासा में हमेशा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, अपोजिट में, कहाँ से बनता है, अपोजिट साइड से बनता है, अपोजिट से बनता है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ही विपरीत साइड से बनेगा, कहाँ से बनेगा, विपरीत साइड से, ठीक है। तो विपरीत साइड से जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी के अंदर बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने बता दिया आपको, 2 टाइप के होते हैं, मानक पासा और अमानक पासा, अमानक पासा बोलो या साधारण पासा बोलो, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो मानक पासा विपरीत अपोजिट वाला होता है, और ये
ये सेम डायरेक्शन वाला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण पासा की, साधारण पासा, फिर अपन बात करेंगे विपरीत अपोज पासा की, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण पासा की, किसी बात करते हैं हम साधारण पासा की बात करते हैं। तो ये मैंने दो आपके सामने पासे बना लिए, इनमें मैं नंबर लिख देती हूँ। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया मैंने 5, ठीक है। इधर लिख दिया मैंने 1, यहाँ 4 और ये 6, ये 1 है, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया। सबसे अब साधारण पासे के बारे में बात करते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले हमें 7, मतलब कोई से भी दो नंबर होंगे, दो, उनका योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो साधारण पासा क्या होता है कि जैसे इसकी 3 साइड दिखाई दे रही है हमें, एक साइड ये और ये, दोनों की 3 साइड दिखाई दे रही है। तो तीनों साइड में से कोई भी दो साइडों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। कोई भी दो साइड का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो वो क्या होगा? वो आपका साधारण पासा होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 3 और 7, 3 + 7 कितना हो गया? 7। 3 + 7 कितना हो गया? 7 हो गया। अब इधर देखते हैं 6 + 1 कितना हो गया? 7 हो गया। तो इसकी दो साइडों का योग कितना? 7 है। इसकी भी दो साइडों का योग कितना है? 7 है। तो ये क्या हो गया? साधारण पासा। ये इसकी इंपॉर्टेंट पहचान है। साधारण पासा वो होता है जिसकी दो साइडों का योग कितना होता है? 7 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि दो साइडों का योग 7 है तो वो कौन सा है आपका? साधारण पासा है। तो ये दोनों मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं ओनली समझने के लिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 1, 4 और 6, ये वाला आपके सामने पासा दे रखा है। तो इसमें ये पूछ लिया कि 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत पूछ लिया इसने कि 1 के विपरीत क्या होगा, कौन सी संख्या होगी। तो सबसे सरल तरीका है कि जैसे कि जो भी पूछा गया है उसके अलावा जो साइड इसमें दिखाई नहीं दे रही, इसके अंदर नहीं है, वही उसका आंसर होगा, ठीक है, वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब 1 के विपरीत पूछा है, 4 और 6 तो इसके अंदर है, बट 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? इसके 1 के विपरीत हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी, ये 2 है यहाँ पर, तो 1, 2, 6 मैंने अब बताई दिया, यहाँ पे दोनों का योग अगर 7 है तो ये कैसा हो गया? साधारण पासा हो गया। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो जो आपके पासे के अंदर जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है, जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा, वही इसका आंसर होगा। तो 2 और 6 तो है, 2 और 6 के अलावा जैसे कि 3 हो गया, फिर 4 और 5, ठीक है। तो ये 3, 4, 5, अब ये आप सोचोगे यार 7 भी तो हो सकता है, 8 भी तो हो सकता है, यह नहीं, ओनली यहाँ तक ही लेंगे 3, 4, 5। तो 3 और 4, 5 में से कोई सा भी इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे अगर ऐसे पूछ लिया 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 के विपरीत भी वही संख्या होगी जो इसमें नहीं दिखाई दे रही है। अब इसमें क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा, वही 3, 4 और 5, ठीक है। ऐसे हम अगर इस तरह की इसकी बात करें कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें 3 के विपरीत पूछा है, 3 का अपोजिट पूछा है, मतलब तो इसका 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 के विपरीत 4 और 5 तो इसमें दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा वो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि 2 हो गया, 1 हो गया और 6 हो गया, मतलब 1, 2 और 6, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1, 2 और 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ पे पूछ ले 5 के विपरीत क्या होगा, तो वही 5 के विपरीत जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा वही इसका आंसर हो जाएगा। 3 और 4 तो है, इसके अलावा 2 हो गया, 1 हो गया और 6 हो गया, तो ये 5 के विपरीत हो गया। तो ये तो हमारा हो गया साधारण पासा। ये कैसा हो गया हमारा? साधारण पासा। तो और अब बात करते हैं हम मानक पासा की। अब हम बात कर रहे हैं मानक पासा की, ठीक है। ये दो मैंने आपके सामने क्यों मानक पासा बना लिया, दो क्यों बना लिए, तो इसमें मैं संख्या लिख देती हूँ, जैसे कि 1, 2, 3, इधर लिख दिया मैंने 4, 5 और 6, ठीक है, ये नंबर लिख दिए। अब इसमें पता कैसे करेंगे मानक पासा है या नहीं है, इसकी क्या वो है? तो मानक पासा निकालने के लिए अब ये है, अब इसमें देखो, सबसे पहले इसमें ये याद रखनी है, जैसे कि साधारण पासा में तो दोनों का योग 7 होता था, बट इसमें ऐसा है नहीं, इसमें किसी का भी योग 7 नहीं है, है ना। तो इसमें क्या करना होता है कि हमें 7 को बनाना पड़ता है। 7 क्या करता है? बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे? जैसे अब हमसे पूछ लिया कि 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत हम 6 करेंगे, जबी तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 होएगा। 6 + 1 करेंगे जबी तो 7 होगा, तो 1 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। अगर हमसे पूछ लिया 2 का विपरीत क्या है, तो 2 में क्या जोड़े अपन, क्या ऐड करें कि 7 हो जाए, तो अपन ने 2 में क्या ऐड कर दिया? 5। तो 2 और 5 कितना हो गया? 7 हो गया।
तो 2 का विपरीत कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अगर हमसे कुछ भी पूछ लिया जैसे कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो हम 3 का, 3 में अपन कौन सी संख्या ऐड करेंगे, 7 हो जाए तो क्या ऐड करेंगे, 4। तो 3 का विपरीत क्या हो गया, 4, क्योंकि अपन को पता है 3 + 4 करने पर क्या आता है, 7 आता है। तो ऐसे आप किसी भी नंबर का विपरीत मतलब निकाल सकते हो। मानक भाषा की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट यही बात है कि इसमें 7 दिया नहीं जाता, इसमें 7 को क्या करता है, बनाना पड़ता है। तो 7 कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बता ही चुकी हूँ। जो भी संख्या दे रखी है अगर 7 बनाना है तो उसको ऐड कर लो, जिससे 7 आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 1 में मैंने 6 ऐड किया तो 7 आ रहा है, तो 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे पूछ लिया 6 का विपरीत क्या होगा तो 1 हो जाएगा, 5 का विपरीत क्या होगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 2 7 हो रहे हैं, वही अपोजिट दोनों एक दूसरे के विपरीत, आप समझ गए। 4 का विपरीत पूछ लिया, 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये दो अगला मैंने लिया है आपके लिए, एग्जाम्पल ही है ये। जैसे ये 2 डाइस है फ्रेंड्स, ये डाइस मेरे को ढंग अच्छे से बनाना नहीं आता, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा माइंड मत करना, मेरे को ढंग से बनाना नहीं आता, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये मैंने 2 डाइस बनाए, अब इसमें मैंने नंबर लिख देती हूँ, ये 2, 4 और 6। ठीक है, इधर मैंने लिख दिया 3, 5 और 6। ठीक है, मैंने ये चीज़ लिख दी। अब इसमें अगर 2 डाइस दे रखे हो, अगर आपके सामने 2 डाइस दे रखा है और एक नंबर क्या हो, कॉमन हो, अगर 2 डाइस दे रखा है और इसमें एक नंबर क्या है, कॉमन है। ठीक है, जैसे 2, एक नंबर कौन सा कॉमन है, 6, क्या है 6, क्या है इसमें कॉमन है। ठीक है, तो ये रूल्स है आपका, अगर 2 पासे दे रखे हैं और एक नंबर कॉमन है, एक नंबर कॉमन है, तो 2, 4, 6, 3, 5, 6 में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन है, तो वहाँ से अपन लिखना स्टार्ट करेंगे। 6 मतलब इसको क्लॉक वाइज लिखेंगे, ऐसे इस तरह से लिखेंगे, इधर की इस साइड में यू एंड। ठीक है, तो 6, 4 और 2 इधर से भी लिखेंगे, फिर 6, 5 और 3 इस तरीके से लिखेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें हो गया 4 का विपरीत तो क्या हो गया, 5, 2 का विपरीत क्या हो गया, 3। ठीक है, अब 6 दे रखा है, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर जो दिखाई नहीं दे रहा वही 6 का विपरीत हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा 6 का विपरीत। ठीक है, आपको समझ में आ गया, अगर 2 पासे दे रखे और एक नंबर कॉमन हो, एक नंबर क्या है, कॉमन हो, तो वहाँ से अपन क्लॉकवाइज लिखेंगे, मतलब लिखेंगे इसको, जैसे कि 6 के नीचे 6 लिख दिया, 4, 2, 4, 2, फिर इसके नीचे ऐसे इस तरह से इसको लिखेंगे, 5, 3, तो 4 का विपरीत 5 हो गया, 2 का 3 हो गया, और 6 का 6 नहीं होगा, जो नहीं दिखाई दे रहा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे अगर 2 पासे और एक नंबर कॉमन है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सबसे पहले इजी क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पासे की स्थिति दी हुई अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। एक पासा दे रखा है, उसकी स्थिति दे रखी है, फिर पूछा गया है कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये पूछा गया है, तो 2 के विपरीत क्या होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनमें से कौन, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले ये पता करेंगे अपन, ये मानक पासा है या साधारण पासा है। सबसे पहले इसके पता करने पर भाई, ये सब पासा कौन सा है, मानक पासा है या साधारण पासा है, तो ये हमें कैसे पता लगेगा, मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि मानक पासा है या साधारण पासा है। इसका पता करने के लिए सबसे पहले अगर इसकी दो सतहों का योग अगर 7 है तो मानक पासा हो गया ये। ठीक है, तो 2 और 7 का, सॉरी देखो, 2 और 5 कितना हो गया, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, सॉरी ये ना साधारण पासा है ना, तो 5 और 2 का योग अगर 7 है, किसी मतलब दो संख्याओं का योग 7 है, दो सतहों का योग कितना है, 7 है, तो कौन सा पासा हो जाएगा, वो साधारण पासा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 + 5 कितना है, 7 है, तो ये कौन सा पासा हो गया, ये साधारण पासा। अब हमें हमें ये पता लग चुका है कि कौन सा पासा है, तो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब पूछा गया है क्या है क्वेश्चन में, कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। आपको पता है साधारण पासा में कि जो दिखाई नहीं देता वही उसका आंसर होता है ना, तो 2, अब 2 के विपरीत पूछा गया, 2 के बाद 3 और 5 तो इसके अंदर है, इसके अलावा 1, 4 और 6 इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है अपने पासे की स्थिति के अंदर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 1, 4 और 6, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन।
ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो दो के विपरीत क्या होगा, एक, चार और छः। अगर ऐसे पूछ लेता है कि तीन के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा तीन के, तो दो और पाँच तो है, इसके अलावा जैसे तीन के विपरीत पूछ लिया तो क्या आ जाएगा, वही एक चार छः ही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अगर पाँच के विपरीत पूछा जब भी एक चार छः आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज मैं आपको सारे टाइप्स क्लियर करा चुकी हूँ। अब जो अगला वीडियो है मेरा, नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ पासे से संबंधित। तो आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखना, अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर नहीं करा हो तो। थैंक यू सो मच।